दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दो बेंटन के टॉयज। एक तो है ये बेंटन का कार ट्रैकिंग सेट और दूसरा है ये बेंटन का स्पिनर। तो जल्दी से करेंगे दोनों के अनबॉक्सिंग। हेलो व्यूअर्स, आई एम विनीश एंड यू आर वाचिंग गेमिंग टेक फॉर यू। और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स के अनबॉक्सिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी इस वीडियो पर चल रहा है गिव अवे और जाइए मेरे चैनल पर जल्दी से देखिए इस वीडियो को और आप में से किसी एक व्यूअर को मैं ये आरसी मास्टर ट्रक देने वाला हूँ फ्री, एकदम फ्री। तो यहाँ पे सिंपली आपको कॉर्नर से पकड़ना है इसको और यहाँ से ये जो लेयर है इसको आपने निकाल देना है। तो ये मतलब कुछ इस तरह से और फिर कहीं से भी इस तरह से पार करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है पैकेट को अनरैप और इसके अंदर से निकल के आती है ये सारे के सारी एक्सेसरीज। इन एक्सेसरीज को सिंपल है, मैं आपको ज्वाइन करके एक ट्रैकिंग सेट बना के दिखाऊंगा और हम कार को उसके बाद चलाएंगे भी। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी हमको दो कार्स मिलती है ये और जो मतलब ठीक ठाक ही लग रही है। अप्रॉक्स 300 रुपए के आसपास की कॉस्ट है और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए एक बार इसको ज्वाइन करते हैं और फिर इसके साथ थोड़ा सा करते हैं फन। यहाँ पे सिंपली आपको दो पार्ट्स को पकड़ना है और यहाँ पे जिसके पैकेट के पीछे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दीजिए तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें इसे बनाने से पहले। तो सिंपली इसको आप ऐसे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैक जो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंप्लीट हो गया हमारा। और तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली करना जो है कि आपको इस स्विच को जो है थोड़ा सा पुश करना है और अपनी जो कार को है वो इसके आगे रख देना है। उसके सिंपली हम इस बटन को करेंगे प्रेस और कार हमारी आगे चली जाएगी। तो जल्दी से करते हैं इसके साथ कुछ प्रैक्टिस और उसके बाद करेंगे हम एक क्विक रिव्यू। तो यहाँ पर करते हैं लीवर को आगे और कार को रखते हैं इसके फ्रंट में, प्रेस करता हूँ बटन। ओह चलो दूसरी कार को एक बार ट्राई करते हैं कि ये कहाँ तक जाती है। लगभग सेम ही चल रही है, थोड़ा सा एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इसको भी एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर दोनों कार को रखा जाए एक साथ तो कहाँ तक जाती है। ओके तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें इस ट्रैक के परफॉर्मेंस की और मेरी ओपिनियन की, तो यार जितनी बार भी मैंने ट्राई किया जो ये कार है इस लाइन को भी यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाई। फिनिश नहीं, लाइन यहाँ पर है और उसके बाद इस पॉइंट तक आना तो इसके लिए नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि शायद जिसके टायर है ना इतने स्मूथ नहीं है कि वो उसको यहाँ तक ले जा सके, क्योंकि ट्रैक तो मुझे काफी स्मूथ लग रहा है। बट हो सकता है कि ये कार जो है छोटी सी हमारी जो ये व्हील है ये इतनी सही से ना हो। तो दोस्तों अगर फिर भी आप इसे परचेस करना चाहते हो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। दोस्तों दूसरा आइटम जो मेरे हाथ में इस वक्त है वो है ये बेंटन का स्पिनर। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बिना कोई वक्त गवाए। तो यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। आप थोड़ा सावधानी से इसे कट करना क्योंकि काफी हार्ड है इसे। तो दोस्तों यहाँ पर पैकेट से तो हमने बाहर निकाल लिया स्पिनर को, बट इससे पहले हम एक बार इसका पीछे का रैपर देख लें। या यहाँ पे कई तरह के स्पिनर है तो अगर आपको पता है कि इससे आगे का नाम क्या है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर हमको सिंपली मिलता है स्पिनर और एक मिलता है इसको घुमाने के लिए पुलिंग कॉर्ड। तो अगर बात करें इसके स्पिनर की तो यार इसकी क्वालिटी यहाँ पर मुझे काफी मस्त लगी और ये काफी भारी भी है, शाइन काफी कर रहा है, लगता है स्टेनलेस स्टील का है। तो जल्दी से एक बार हम इसको टेस्ट करके देखेंगे और
बात करेंगे इसके बारे में कुछ परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस जोयो स्पिनर को घुमाने की काफी कोशिश किया है, पर यार मुझे लगता है कि इसे घुमाने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर आप लोग में से यार काफी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये घुमाना आता होगा, तो प्लीज यार औरों को भी सिखाइए, और जिनको नहीं आता यार वो इसे जरूर सीखे, क्योंकि यार ये बड़ी कमाल की चीज है। और मैं भी जल्द इसे सीख के यार एक अच्छा वीडियो और फ्यूचर में बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। No.